आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। भंडारे के समय बहुत लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन आरती के समय वही लोग बचते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, पूरी शांति के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि तन के मन के साथ साथ कुछ गहनों की भी चिंता हो, तन के मन के साथ साथ कुछ गहनों की भी चिंता हो। आशिको जरा सी तुम्हें तुम्हारी बहनों की भी चिंता हो। मुझको तो सारी धरती की शुद्ध सुजाता लगती है, मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता लगती है, और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता लगती है। तुमको भारत की बेटी में कम सिंह कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती। क्या बात है, बहुत अच्छा राम बधाई भाई। जब भी प्रेम का जिक्र आता है, इश्क का जिक्र आता है, प्यार का मोहब्बत का जिक्र आता है, मुझे नहीं पता मेरे देश के युवाओं को क्या हो गया है। मैं नहीं जानना चाहता कि मेरे देश के बुजुर्गों को भी क्या हो गया है, लेकिन माफ़ करिए आदरणीय, प्रेम करने के लिए तो अवतार ही लेना पड़ता है, इस मानव शरीर से वो सक्षम नहीं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के कई सारे प्रसंग अमूमन उपमा और उपमानों में रख दिए जाते हैं। विद्युत जन बैठे हैं, प्राचार्य महोदय बैठे हैं। कहना चाहता हूँ, योगी जन जान पाते हैं न जिनका प्रभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती हैं। आप किसको प्रेम की उपमा दे रहे हैं? योगी जन जान पाते हैं न जिनका प्रभाव, कवि कुल के बड़े लोगों ने कहा, योगी जन जान पाते हैं न जिनका प्रभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती है। क्या बात है, नारी जाति ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, नित्य नित्य रीतियां भी कह हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती। वाह क्या बात है, इसके लिए अवतार लेना पड़ता है। आदरणीय बाबूजी का आदेश हुआ है मुझे, और मैं पहली बार अंबेडकर नगर आया हूँ। पिता तुल्य जो मुझे स्नेह मिला, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ये विश्वास करके चलता हूँ, ये भरोसा करके चलता हूँ कि पूरा अंबेडकर नगर का स्नेह मुझे मिला है आज। और मैं शुरू करना चाहता हूँ भारतवर्ष के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वो कहानी, वो घटना जो अमूमन नारियों को कमजोरी का प्रतीक बताए जाने वाले, हाँ जौहर, भारतवर्ष की नारियों को कोमल पुष्प और निर्बलता का प्रतीक दिखाए जाने वाले, कहने वाले वो लोग, और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले वो दोनों लोगों के बीच में इस रचना को खड़ी करना चाहता हूँ। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, वो क्या भावना रही होगी जो 16,000 छत्राणियों ने जौहर कुंड में अपने आप को आहुत कर दिया। क्या कारण रहा होगा उसके पीछे? हजारों लाखों करोड़ों बलिदानों के ऊपर टिका हुआ ये देश, और आज आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय बातें सभी, इश्क के आगोश में डूबी हुई रातें सभी, वो मिलन के गीत या फिर इस धरा की वेदना, आधुनिकता में कुचलती मानवीय संवेदना, कोई हंसी की बात सुननी या दिलों की खाइयां, रूप का लावण्य या आंखों के नीचे झाइयां, बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। क्या बात है, वाह वाह राम बजार भाई, वाह बहुत अच्छा, वाह। मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा है, मैंने रसखान नहीं देखे, लेकिन मैं इस बात पर गर्व करते हुए समाता नहीं हूँ
कि मैंने आदरणीय वाहिद अली वाहिद दादा को देखा है। वाह क्या बात है, क्या बात है। बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या? अरे चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं, हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद राम बदौर भाई, प्रणाम करता हूँ आपको। एक हजार रुपया का आशीर्वाद आदरणीय पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे दादा ने दिया है। एक जोरदार तालियां हो जाए भाई। राम भदौर उसी ऊर्जा के साथ और भी अधिक ऊर्जा के साथ पढ़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, एक त्रुटि कर दी आपने जी। आपने कहा पूर्व सांसद, मैं 4 साल कॉलेज में था। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने पिछले 5 सालों से झूठ नहीं बोला है, और भगवती की कृपा है कि अब अगर कुछ झूठ निकल भी जाता है तो सच हो जाता है। इस पूर्व को हटा देते हैं। वाह, ये जो पूर्व है इसको हटा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, अपने घर में बेटियों से कहना, रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान जो हुए है केश, एक बार उनमें से क्रोध बरसाइए। एक बार फूल को बनाइएगा शूल, और कोमल शरीर की कठोरता दिखाइए। बेटियों कलाइयों से चूड़ियां उतार कर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। ऐसे बनेगा मेरा देश, तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे। देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है रावल रतन सिंह को चित्तौड़। गोरा और बादल दिल्ली में बलिदान हुए हैं। रचना यहाँ से शुरू करता हूँ। जी जी स्वागत है। उस पराम्बा भगवती माँ जगत जननी के चरणों में आप सबको नतमस्तक होते हो। कितनी देर सुनेंगे मुझे नहीं पता, बहुत लंबी एक खंड का अभी तक की श्रृंखला में शुरू कर रहा हूँ। जी स्वागत है। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसी आया था, घर में ही मिली पराजय। एक तरफ क्रूरता है, एक तरफ सहन शक्ति, एक तरफ क्रूरता है, एक तरफ सहन शक्ति। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा एक आरोप लगा हमारे ऊपर, हमारे हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर महाकायर बताया जा रहा था। अरे उस हाल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह क्या कहा, वाह। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसी आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे, और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में चिल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मूकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा।
हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारों कटारी पर धारे रखवा लो, कुछ करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिन को देखें वो आंखें अंधी कर दो, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों सेना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को, तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुस्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया, और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ, जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन नकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया, सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ, रुक जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद राम भदौर भाई, वाह वाह बहुत बढ़िया, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ, और निवेदन कर रहा हूँ मंच का ध्यान चाहता हूँ जी, स्वागत है स्वागत, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अमर सी ऊंचाई, गर्व करना इस पर अपने पाषाण पर, यदि हमारे बल्ब पौरुष पर तनिक संदेह है तो देख लो जाकर अभी लंका जली लंकेश की, नीतियों को उच्चता सर्वोच्चता हमने लिखी है, पादुकाएं राज गद्दी पर रखी अवधेश की, जिस रियासत की अकड़ में तुम खुदा बनने लगे उतनी विरासत है यहाँ पाषाण के अवशेष की, और लाल से भी लाल गहरे लाल रंग में हम पले हैं, देख लो छूकर कभी माटी हमारे देश की, वाह 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 वाह, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, वाह भाई शैलेंद्र सिंह आपको समझ के एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा राम भदौर भाई, पहले से अधिक ऊर्जा के साथ दोबारा की प्रस्तुतिकरण, क्या बात है वाह, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिन की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला बेध लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, वाह, दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता, सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर, किला किलेश्वर क्या कमाल था कुशल कमाल वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था, गुप्त चरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी खली थी, वाह क्या बात है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि शेर चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, वाह वाह क्या बात है, डॉक्टर कमलेश जी के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं भाई राम भदौर जी,
ऐसा नहीं स्वागत आप कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी। वाह, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। तर्क रखता हूं केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया इतिहासकारों ने कि 8 माह तक कैद कर दिया, दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। माफ करिए, उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, बिना नेतृत्व की सेना, बिना राजा की सेना, मेवाड़ से चलकर दिल्ली बिना राजा की सेना, जब दुश्मन के जबड़े में से अपने राजा को वापस लेके आ सकती है, वो 8 महीने पर छाती पर शत्रु को बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में दे दो। ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से विद्युत जन बैठे हैं, पर्वत दादा टटम्बरी दादा, पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। वाह, तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है, दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी पर हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज़्यादातर हैं भारत के रहने वाले, भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी तरवार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे, क्या बात है वाह। अब मालाएं थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, मंच पे दो लोग और मेरे कुल गोत्र के हैं, आदरणीय रुचि दीदी और जहां तक मैं जानता हूँ आदरणीय श्रीवास्तव, आप भी और आप लोगों से चलेंद्र पांडे मासूम भी हैं। अच्छा हाँ, तीन लोग हैं, और अगर आप लोग मुझे अब कुछ और देना चाहते हैं, अगर आप लोग मुझे इसके बाद भी कुछ देना चाहते हैं तो ये देना कि इन तीनों लोगों को सुन के जाना, ये मेरा आपसे निवेदन है, वरना मुझे बहुत खराब लगेगा। स्वागत है राम बदाओ, क्योंकि मैं दूसरे दौर का काव्य पाठ कर रहा हूँ जी, और ये सभी लोग, ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी भी है जी। स्वागत है वाह। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु तो होती है, मृत्यु होती है। आरोप लगा लड़ाई का, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ रक्षार्थ युद्ध को। ओ हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहाँ चीटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें, जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो,
गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, क्या बात है, और खिलजियों पर भूखे सिंगों सा टूट पड़ा था। वाह पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती, हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट सी चलने लगी हवाएं, बढ़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने, एक लिंग के बेटे, तो आसमान बिस बुने हुए बाणों को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था, योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे सो सोणित मिला रहे थे, उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, चंकारे भरती थी, उस रोज दामिनी भाले की नौकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही। क्या कहा, वाह वाह वाह, क्या कहा क्या कहा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कालिका वाह स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी, बहुत अच्छा वाह। अब तक तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। वाह शाका उधर इधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला, स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे, पहला श्रृंगार आँख में जब काजल की धार लगाई। जरा सोचिए, आपको पता है कि आपको 2 घंटे के बाद में मरना है, अंतिम श्रृंगार पहला श्रृंगार आँख में जब काजल की धार लगाई, अस्त्र छलकना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई, दूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को थारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा, तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए अग्निकुंड तहकाया, चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। वाह क्या बात है क्या बात है, वाह। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, वाह स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था, क्या बात है, नई संतति क्या करेगी, ये पत्रकारों कवियों लेखकों और साहित्यकारों पर निर्भर करता है, ये वैसे हो जाएंगे जैसा हम इनको सुनाएंगे, चाहता हूँ ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी, अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की कर्ता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूँ, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूँ। क्या बात है, वाह राम भजौर भाई। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में बोल रहा था, छठवा श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे। वाह क्या बात है, बड़े भाई विपिन शंकर तिवारी जी माल्यार्पण करते हुए एक जोरदार तालियां हो जाए, एक जोरदार तालियां हो जाए भाई राम भजौर के लिए। रुचि द्विवेदी भी अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहे हैं,
बहुत अच्छे फार्म में है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई राम भदौर जी। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, वाह स्वाभिमान का, मैं अपने अंतिम चरण में हूँ, विदा कर दीजिएगा। स्वागत है। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। क्या बात है, वाह। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती जोधानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। वाह क्या बात है। 10 सेकंड का समय आपसे उधार मांगता हूँ, मंच से भी मांगता हूँ, मुझे स्वागत है भैया, स्वागत है। बात आपको बतानी है और वो विशेष बात यह है, माता पद्मावती के खंड काव्य के बाद मैं भारतीय इतिहास के, पौराणिक इतिहास के उस चरित्र पे काम कर रहा हूँ इन दिनों, जिनका नाम होता है बाजीराव बल्लाल भट्ट। वाह। एक प्रश्न उठा कि 1415 सालों के इतिहास में ब्राह्मणों ने कहीं कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन सब लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। 19 वर्ष की अवस्था में एक नवयुवक मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया जाता है, 39 वर्ष की अवस्था तक वो केवल जीवित रहता है और 39 वर्ष की अवस्था तक में 44 युद्ध जीत लड़ता है, 350 किले जीतता है और उसके बाद में वीरगति को प्राप्त होते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज के भरे दरबार में बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो चुकी है, बाजीराव पेशवा को पेशवा नियुक्त किया गया है और वो राज दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। 6-7-8 पंक्तियां निवेदन करके अपना स्थान लेना चाहता हूं। बहुत जल्द ये किताब और ये रचना आप लोगों तक पहुंचेगी। मुझे पूरे आशीर्वाद के साथ विदा कर देना। स्वागत है, कि स्वागत धड़क है। धड़क बेधड़क चाल दृश्य याद करिए, बाजीराव पेशवा सभा में प्रवेश कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज, चौथे छत्रपति महाराज वो विराजमान है। निवेदन है, धड़क धड़क बेधड़क चाल आंखों में खौफ लिए है बाजी, मूछों पर वही शिवाजी जैसा रौप लिए हैं, आंख मिलाने पर दुश्मन की आंखें भय खाती हैं, भ्रकुटी की तनन कई वीरों को कायर कर जाती है, माथे पर बल पड़े तीसरा नेत्र उभर आता है, माथे पर बल पड़े तीसरा नेत्र उभर आता है, जबड़े कस दे तो मानो कोई पर्वत पिस जाता है, सीना जो तटबंध नदी के कंधे हिम शिखरों से चंघाएं पटवृक्ष बुदाए हैं फांसी के फंदे, रक्षा सूत्र दाहिने कर की शोभा बढ़ा रहा है और जनेऊ ब्राह्मणत्व का जलवा दिखा रहा है, लप लप दामिन के प्रताप सी शोभा छूट रही है, सिखा तो मानो शिव के सिर से गंगा।